मानचित्र अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग कुछ अलग प्रकार की जानकारी लेंगे। मानचित्र इसका मतलब है कि एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। मानचित्र हम लोग बोलते हैं ना कि वहां पे जाना है तो हमें वहां पे बोर्ड दिखाई देता है, वहां पे एक बाण का एक निशाना होता है इस तरह से। और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलास बन जाता है। और एटलास विभिन्न प्रकारों तथा अलग-अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। इसका मतलब एटलस ही होता है। और मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे कि पर्वत रहते हैं, पठार रहते हैं, मैदान रहते हैं, नदियां रहती है, महासागर रहते हैं इत्यादि, इन सबको जो दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या तो फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है आता है? भौतिक मानचित्र के अंदर पर्वत आते हैं, पठार, मैदान, नदियां और महासागर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। तो राज्य, उसके बाद नगर, उसके बाद शहर तथा गांव, और विश्व के विभिन्न देश और राज्य तथा सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें से कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि कोई सड़क का मानचित्र है, वर्षा का मानचित्र है, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि इत्यादि। और इस प्रकार के मानचित्र को थेमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। अभी मानचित्र के तीन घटक है, एक है दूरी, दूसरी है दिशा और तीसरी है प्रतीक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूरी के बारे में। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो के पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या तो फिर इसको यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक ही रहे। इस तरह से अभी आगे बढ़ते हैं। जब हमें बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाले भागों, जैसे महाद्वीप है और या देशों के कागज पर दिखाना होता है, तब हम क्या करते हैं? तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने अगर लिया तो मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को हम लोग दर्शाते हैं, और इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र हम लोग कहते हैं। अभी यह एक गांव का चित्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गांव का चित्र किस तरह से होता है, यहाँ पे क्या क्या रहता है, उसका स्कूल भी रहता है, लोगों का विकास का घर रहता है, ये बच्चों का घर किस तरह से दिखाई दे गया है, कुआं किस तरह से दिखाई दिया है, खेत, पेड़ पेड़ कैसे, कहाँ पे नाला है, नदी है, ये सब कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आगे जाते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रधान दिग्बिंदु, उसका एक चित्र, और दिक्सूचक, उसका भी एक चित्र हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, यानी कि तीर तीर जो हम लोग बाण में मारते हैं, बाण मारते हैं, उस एरो एरो हम लोग जिसको बोलते हैं, उसकी निशानी बनी रहती है, जिसके ऊपर अक्षर U डॉट लिखा होता है, और यह तीर का निशान दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं, जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में
पता लगा सकते हैं। जैसे उत्तर ऊपर है तो उसके नीचे दक्षिण होगी, उसके राइट दाएं साइड में पूरब, बाएं साइड में पश्चिम, इस तरह से हम लोग दिशा को पहचान देते हैं। चित्र क्रमांक 4.2 आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी दीजिए और यहाँ पर भी दिया गया है कि मैं चार मुख्य दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है और ये सभी जो दिशाएं हैं ये प्रधान बिंदु उसको कहे जाते हैं ये सभी। और बीच की चार दिशाएं हैं, एक है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की हमें सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है इस तरह से। अभी हम लोग देखते हैं हमारी दिक सूचक। अभी दिक सूचक की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी स्थान की दिशा का हम लोग पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है और इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग देखते हैं प्रतीक के बारे में। तो प्रतीक किस चीज का होता है? प्रतीक हमें किसी चीज के लिए उसका सिंबल हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वो दिखाई देता है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां रहते हैं, जैसे भवन रहते हैं, सड़कें रहती है, उसके बाद पुल रहते हैं, ब्रिज जैसे वृक्ष रहते हैं, रेल की पटरियां या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षर, कोई भी उसका एक अक्षर रहता है या तो फिर उसकी कुछ छाया रहती है या तो फिर कोई रंग या तो फिर कोई चित्र तथा कोई रेखाओं का उपयोग करके इसको दर्शाए जाते हैं और ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा उनका अध्ययन करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप लोग एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती सभी क्षेत्र की भाषा, तो मैं भी नहीं जानती, मैं तो महाराष्ट्र में रहती हूँ तो इसके लिए मुझे हिंदी, अंग्रेजी और मराठी ये तीनों भाषाएं बहुत अच्छी तरह से आती है, गुजराती भी समझ में आती है इस तरह से। अभी हम लोग यानी हम और आप किसी से दिशाओं के बारे में पूछ नहीं सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से। अभी आया बच्चों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं और मानचित्र के प्रमुख घटक वो आपको लिखना है और ये सब कुछ प्रश्न, ये जितने भी तीन प्रश्न है उनका सही सही जवाब आपको अपनी किताब में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए बच्चों,